नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता सब जानती है। कभी विपक्ष में रहते हुए इस देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में ये कहा था कि देश के साथ धोखा देना होगा कि 50 सालों में कांग्रेस की सरकार ने इस देश में विकास नहीं किया। लेकिन आज ट्रेंड बदला है, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाना जानती है, वो सत्ता पक्ष के विकास पर नज़र नहीं डालती। लेकिन कभी कभी जनता के बीच से आवाज़ निकलती है और जनता सही को सही और गलत को गलत कहती है। एक ऐसी तस्वीर खुरई से आई है जहां जनता ने ये आवाज़ बुलंद की है कि हमारे मंत्री ने हमारे क्षेत्र में विकास किया है। उस गरीब व्यक्ति ने अपने घर में अपने स्थानीय विधायक का न सिर्फ नाम लिखवाया है बल्कि उनके नाम पर अपने घर का नाम रखा है। तो देखिए खास खबर जनता सब जानती है। प्रधानमंत्री आवास के तहत खुरई विधानसभा के टैगोर वार्ड के आनंदी अहरवार को अपने कच्चे मकान से पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे। इस गरीब ने जिंदगी भर से सपना पाल रखा था कि वो अपना पक्का मकान बनवाना चाहता है। उसने बारिश में वो दर्द सहा है जिसमें पानी की बौछारें उसकी गृहस्थी को गीला कर देती थी। आनंदी और उसकी पत्नी संतोषी ने मेहनत कर एक प्यारा सा मकान बनाया है और अपने घर का नाम खुरई के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर रखा है। आनंदी आज बेहद खुश है। वही मंत्री ने इस गरीब की खुशी में शरीक होते हुए आनंदी को घर की चाबी और गृह प्रवेश करवाया है। मंत्री कहते हैं, आनंदी ने आनंद के इन क्षणों में अपने मकान का नाम मेरे नाम पर रखवाया है। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र भैया आज हमारे घर का उद्घाटन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना से हमें 2.5 लाख रुपया मिला और हम 2.5 लाख से खुश हैं। पहले से हम कच्चे मकान से कच्चे से हम पक्के मकान में रहने, कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा मकान ऐसा बनेगा। उनके जो भाव हैं वो कह सकते हैं, और वो कच्चे मकान में रहते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपये की राशि हमने स्वीकृत कराई, तो अब उनका जो मकान बना है उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छा मकान बनाया है। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे 5 लाख का मकान बना हो। तो उन्होंने मकान का नाम हमारे नाम से रखा है, तो उनका इसमें प्रेम है, इस वजह से हमने रखा है। और चूँकि मकान अगर स्वीकृत नहीं होता तो सारे कच्चे मकान में रह रहे थे और काफ़ी तकलीफ में थे, बरसाती लगा के टीन टप्पर में रहते थे। अब उनका अच्छा मकान बना है तो उसी में प्रेम में उन्होंने नाम रखा। वर्तमान परिवेश की राजनीति यही कहती है, जो सच है उसको सच न मानना सही मायनों में अब यही लोकतंत्र की आदत बन गई है और यही लोकतंत्र का तकाजा बन गया है। हेमंत नवरंग के साथ नरेश शुक्ला, सागर एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।